इधर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इलाज के लिए अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाएं, इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की आपात बैठक ली, जिसमें मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 60% और निजी अस्पतालों में 47% बिस्तर खाली है। इसके साथ ही जानकारी दी गई कि कोरोना के कुल मरीजों में से 67% मरीज होम आइसोलेट हैं और 33% मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की 60 MT थी, जिसे 3 गुना बढ़ाया गया और हर जिले को 2-2 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई। वहीं 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऑर्डर भी दिए गए।